फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ये बेबी सेट लेके आई हूँ। तो इस सेट की मैंने बेबी स्वेटर के सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप चैनल पर अपलोड की हुई है। इस स्वेटर के मैंने 5 पार्ट अपलोड किए हुए हैं। छठे पार्ट में मैंने ये इसकी पजामा पैंट बनाई है और सातवें पार्ट में मैंने इसकी यही डिजाइन डालते हुए जो स्वेटर में डाला है मैंने ये बेबी कैप बुनी है। और आज की वीडियो में हम इसके बहुत ही प्यारे से और सुंदर से ये बेबी बूटीज बनाएंगे। 6 महीने से लेके 1-1.5 साल के बच्चे के लिए परफेक्ट साइज बन के आएगा। जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन बना है। तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। अगर आपने इसके स्वेटर के और पार्ट नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और चैनल पर सभी पार्ट आपको स्टेप बाय स्टेप अपलोड मिलेंगे। अगर आपको डिजाइन पसंद आए, वीडियो पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन हमारा बन के आया है। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये 3 तार वाली 3 प्लाई वाली वूल ली है और इसके फंदे हम सिंगल धागे से डालेंगे। तो देखिए मैंने इसको यहाँ से बुनना शुरू किया है शोल की तरफ से और यहाँ पर आके मैंने इसका एंड किया है। तो यहाँ पे मैंने 41 यानी 41 फंदे 45 फंदे मैंने यहाँ पे डाले हैं इसके शोल में। अगर आप इसे 3 तार वाले वूल में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 45 फंदे डाल लीजिए यानी 45 फंदे। और आप बुनते हैं इसको नॉर्मल बेबी वूल में तो आप वहाँ पर 51 फंदे डाल लीजिएगा। 4 से 5 फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा, परफेक्ट साइज बन के आएगा। तो जितने फंदे डालेंगे इतना धागा हम सिंगल लेंगे और यहाँ पे नोट लगा के एक फंदा इस तरह से हम बना लेंगे ऐसे। अब जो ये छोटा धागा है इसको अंगूठे पे करेंगे, वर्क वाले को उंगली पे। यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और उंगली वाले का फंदा बुन लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6 तो इसी तरह से करते हुए हम यहाँ पर 45 यानी 45 फंदे डाल लेंगे। तो देखिए ये 45 फंदे मैंने डाल लिए हैं सिंगल धागे से। फंदे थोड़े से लूज डाले हैं, ज़्यादा टाइट फंदे नहीं डालेंगे, सिंगल धागे से ही फंदे डालेंगे। तो इसको बुनना शुरू करेंगे। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, इस तरह से पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे ऐसे, उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए हम यहाँ पर 16 सिलाइयाँ बुन लेंगे। तो हमारी ये 8 लाइनें बन के आ जाएंगी। देखिए जैसे ये यहाँ पे बुनी हुई है इस तरह से हमारी ये उल्टी उल्टी लाइनें बनेंगी। तो टोटल 16 सिलाई हम बुन लेंगे दोनों तरफ से। तो इसको बना के फिर मैं आगे बताती हूँ आगे इसकी यहाँ से शेप किस तरह से बनाएंगे। तो इस पार्ट को बुन के मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारे टोटल यहाँ पर 8 लाइनें बन के आई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 हमारे सीधी तरफ से हैं और 8 ही लाइनें हमारे उल्टी तरफ से हैं। तो टोटल 16 सिलाइयाँ मैंने ये बुन ली हैं। अब जो हमारे टोटल फंदे हैं 45 यानी 45 फंदे हैं, इन फंदों को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो 18 फंदे हम स्टार्टिंग में रखेंगे और 18 फंदे हम लास्ट में रखेंगे, 9 फंदे हम बीच में सेंटर में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर काउंट करेंगे हम, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 18 फंदे काउंट करके और यहाँ पर एक मार्कर लगा लेंगे। अब देखिए 9 फंदे हम सेंटर के रखेंगे, 2, 4, 6, 8 और 1, 9 9 फंदे सेंटर के यहाँ पर मार्कर लगा लेंगे। अब 18 फंदे हमारे लास्ट में हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 तो ये 3 भागों में हमने इन फंदों को डिवाइड कर लिया। 45 फंदे हैं, 3 प्लाई वाले वूल हैं। अगर आप इसी में बुनेंगे तो सेम इतने ही फंदे रखिएगा और आप बुनेंगे इसको नॉर्मल
बेबी वुल में, तो आप यहाँ पे 50 फंदे नीचे डाल के 20 फंदे यहाँ पे कर लीजिएगा, 20 यहाँ पे और 10 फंदे सेंटर में। तो अब इसको बुनना शुरू करेंगे। अब यहाँ से हम फंदों की घटाई करेंगे जिससे हमारी ये बुटीज की है यहाँ से ये शेप बननी शुरू हो जाएगी। तो देखिए कैसे बुनेंगे, जो 18 फंदे हैं इन 18 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और 18। 18 फंदे बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे और इस मार्कर को फिर वापस यहीं पे ही लगा लेंगे। अब जो ये 9 फंदे हैं सेंटर के, इनमें से हम 8 फंदे बुनेंगे सीधे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब ये 8 फंदे हमने बुन लिए और जो ये 9वां फंदा है इस फंदे को लेंगे ऐसे, मार्कर को निकाल लेंगे और इस फंदे को यहाँ पे डाल के पलट के और बैक साइड से ऐसे 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से। अब इस मार्कर को फिर से यहीं पर ही लगा देंगे ताकि ये यहाँ पर 1-2 सिलाई बनेगी, पहचान रहेगी, फिर अलग से आपको नज़र आ जाएगा। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे तो जो बीच के फंदे हैं ये फंदे हमारे 9 ही बनते जाएंगे, यहाँ से नहीं घटेंगे, साइड से एक एक फंदा घटेगा। ये 2 का 1 किया था, इसको ऐसे ही उतार लेंगे, फिर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए ये फंदा है और ये साइड से एक फंदा यहाँ से लेंगे, इन 2 का 1 उल्टा फंदा बनाएंगे ऐसे। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, मार्कर को निकाल देंगे, यहाँ से अब हमारी पहचान अलग से रहेगी। इस फंदे को ऐसे ही स्लिप करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये 9वां फंदा है, इसको लेंगे यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, मार्कर को निकाल देंगे, इसको ऐसे पलट के, इसको ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 फंदा आगे से लेंगे, ये बीच वाला 9वां फंदा 2 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, इसको ऐसे ही उतारेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9वां फंदा, एक फंदा आगे से लेंगे और 2 का 1 उल्टा फंदा बनाएंगे। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ, इस फंदे को फिर से ऐसे ही उतार लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए ये फंदा 9वां, एक फंदा आगे से लेंगे, ऐसे बैक से सिलाई डाल लेंगे इस तरह से और 2 का 1 फंदा बना लेंगे। तो इसी तरह से दोनों तरफ से एक फंदा यहाँ से सीधी तरफ से घटेगा, फिर ऐसे बनाते आएंगे यहाँ उल्टी तरफ से घटेगा। तो ये फंदे हम दोनों तरफ से 5 फंदे यहाँ से घटाएंगे और 5 फंदे हम यहाँ से घटाएंगे, तो टोटल 10 फंदे घट जाएंगे, 45 फंदे थे, लास्ट में जब हमारे पास बचेंगे 35 फंदे तब तक हम इसको बुनेंगे। तो सेम ऐसे ही घटाते हुए इस बीच के पार्ट को हम बुन लेंगे। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको इस पूरे स्वेटर को स्टेप बाय स्टेप बुनना बताया है ताकि आपको बुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस स्वेटर के सभी पार्ट मैंने स्टेप बाय स्टेप अपलोड किए हुए हैं, आप चैनल पर चेक कर सकते हैं।
और अगर आपको मेरी वीडियो डिजाइन पसंद आए, कलर कॉम्बिनेशन पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये नौवां फंदा, एक फंदा आगे से लेंगे, ऐसे दो का एक बनाएंगे इस तरह से, फिर वापस यहीं से मुड़ेंगे, इसको लेंगे ऐसे ही बना लेंगे। बहुत ही इजी डिजाइन में ही 6 महीने से लेके 1-1.5 साल के बच्चे के लिए ये पूरा बेबी सेट मैंने बुना है। यहाँ से 2 का 1 करेंगे, फिर वापस ऐसे ही मुड़ेंगे, इस फंदे को उतार लेंगे, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये नौवां फंदा एक आगे से लेंगे, बैक से सिलाई 2 फंदों में डालेंगे, 2 का 1 सीधा बनाएंगे। अब फिर यहीं से ही मुड़ेंगे, ऐसे ही दोनों तरफ से घटाते हुए हम फंदे घटा लेंगे। तो देखिए 5 फंदे हमने यहाँ से घटाए हैं बैक साइड से, और 5 फंदे यहाँ सीधी तरफ से, हर एक सिलाई में एक एक फंदा घटता गया। अब यहाँ पर कोई फंदा नहीं घटाएंगे, ये 9 फंदे बुन लिए, धागा अपनी तरफ। अब देखिए यहाँ से आगे के फंदे उल्टे बनाएंगे दोनों तरफ। अब हमारे पास 13-13 फंदे बचे हैं और सेंटर में 9 फंदे हैं, तो टोटल हमारे पास 35 फंदे हैं। तो ये आगे के फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। अब यहाँ से देखिए उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को, जब हमने स्टार्टिंग के फंदे घटाने की तो ये सिलाई हम बुनते गए थे, फिर फंदे घटाए, अब ये फंदे भी हमने बुन लिए तो दोनों पार्ट बराबर बन गए। अब यहाँ से पूरी सिलाई को लास्ट तक उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये बैक साइड से पूरी सिलाई को बुन लिया। अब देखिए एक सिलाई और यहाँ से पूरी उल्टी उल्टी बनाएंगे, बीच के फंदे सीधे बनाएंगे, ये स्टार्टिंग के 13 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 धागा पीछे करेंगे और बीच के ये 9 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये आगे के 13 फंदे फिर उल्टे बनाएंगे, ये उल्टे बनाएंगे और बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो ये इतना पार्ट बन के कम्प्लीट हुआ। अब हम देखिए जैसे इस सॉक्स में हमने ये यहाँ से ऊपर डिजाइन डाला है, ये 2 डिजाइन हमारे बेस कलर के हैं और 3 डिजाइन हमारे वाइट के हैं, यही डिजाइन अब हम इस सॉक्स में डालेंगे। इस डिजाइन को बुनने के लिए हमें यहाँ पर फंदे चाहिए 4 के हिसाब से, 4 के मल्टीपल, लास्ट में 3 फंदे। जैसे आप इनको काउंट करेंगे तो देखिए 4, फिर से 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 4, लास्ट में 3 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए, तो डिजाइन ही अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। जब भी आप यहाँ से फंदे घटाएंगे तो इन फंदों का हिसाब आप लगा लीजिएगा कि जो ये डिजाइन डालेंगे तो इसके लिए हमें 4 के हिसाब से फंदे चाहिए और 3 फंदे प्लस चाहिए, तो 4 8 32 और 3 35, तो मेरे ये यहाँ पर 35 फंदे हैं। तो अब यहाँ से हम सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे और डिजाइन को डालना शुरू करेंगे। तो देखिए 3 फंदे हम वाइट से बनाएंगे, 1, जो ये वाइट धागा है इसको अंदर की तरफ ही दबा लेंगे ताकि बैक में फिनिशिंग रहेगी, इसको अंदर की तरफ दबाएंगे, 3, एक फंदा स्लिप करेंगे। तो जो ये 4 फंदे हैं इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करेंगे, 1, 2, 3, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से 1, 2,
तीन, फिर से एक को स्लिप करेंगे, फिर से एक दो तीन, फिर से एक फंदा ऐसे ही उतार लेंगे बगैर बुना हुआ, फिर से तीन फंदे बनाएंगे, एक दो तीन, फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से एक दो तीन, इसको स्लिप करेंगे, फिर से एक दो तीन, फिर से इसको स्लिप करेंगे, फिर से एक दो और ये तीन, फिर से स्लिप करेंगे, लास्ट में फिर से तीन फंदे वाइट के बन जाएंगे। तो डिजाइन हमारा दोनों तरफ से बराबर बन गया है, स्टार्टिंग में भी तीन फंदे थे और लास्ट में भी तीन फंदे हैं। अब बैक से देखिए, इस बुने हुए फंदों को बुन लेंगे, एक दो तीन, इसको स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे बनाएंगे। इस डिजाइन को मैंने सभी पार्ट में स्टेप बाय स्टेप बनाना हुआ बताया है, सेम ऐसे ही बुनेंगे, तीन फंदे बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतार लेंगे, फिर से इसको उतारेंगे, फिर से तीन फंदे बुनेंगे, फिर से उतारेंगे, फिर से तीन फंदे बुनेंगे। तो इसी तरह से पूरी रो को बुन लेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ तीसरी सिलाई में, तीसरी सिलाई को इस फर्स्ट रो की तरह ही बुनेंगे, तीन फंदे वाइट बनाएंगे, एक दो तीन, फिर इसको बगैर बुना उतारेंगे, फिर से तीन बनाएंगे। तो इसी तरह से इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे, इसको बगैर बुना उतारेंगे, फिर से एक दो तीन, फिर से इसको बगैर बुना उतारेंगे, फिर से एक दो तीन। तो इसी तरह से इसको बना लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को ऐसे ही बुन लिया। अब आ जाइए चौथी सिलाई में, तो जो बुने हुए वाइट फंदे हैं इन फंदों को अब सीधा बनाएंगे। तो देखिए एक दो तीन, तीन फंदे सीधे बुने, धागा अपनी तरफ किया, इस बगैर बुने फंदे को फिर से ऐसे ही उतारेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से तीन फंदे बनाएंगे, एक दो तीन, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इसको ऐसे ही उतारेंगे। तो इसी तरह से इसको सीधी सिलाई बुनेंगे, बुने हुए फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे। तो ये चौथी सिलाई डिजाइन की है, इसको इसी तरह से पूरा करेंगे। तो चार सिलाइयां हमारी डिजाइन की बन गई। अब आ जाइए पांचवी सिलाई में, अब सेकंड कलर लगाएंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा डिजाइन चेंज करेंगे। देखिए जो ये तीन फंदे वाइट वाले हैं, इसके बीच वाले फंदे को स्लिप करेंगे, आगे सेम ऐसे ही बुनता जाएगा। तो देखिए ये फंदा बनाएंगे, इस बीच वाले फंदे को स्लिप करेंगे। अब फिर देखिए तीन फंदे फिर से बुनेंगे, एक एक बीच में है, दोनों तरफ से एक एक लेंगे, इन तीन फंदों को सीधा बनाएंगे, एक दो तीन। अब फिर इसको स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे बनाएंगे, दो तीन, ये बीच वाला फंदा बगैर बुना उतार लेंगे। तो इस तरह से डिजाइन हमारा बन जाएगा। तो इसी तरह से बुनते हुए देखिए, जैसे इस सॉक्स में डाला है ऐसे ही हम ये डिजाइन डाल लेंगे। दो डिजाइन हमारे ये बेस कलर से हैं, तीन डिजाइन हमारे वाइट कलर से हैं, फिर ऊपर हम ये चार सिलाइयों का बॉर्डर बना लेंगे। तो इसको बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। इस डिजाइन को मैंने स्वेटर के फर्स्ट पार्ट में स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया हुआ है, सेम ऐसे ही बनेगा। चार सिलाइयों का डिजाइन है, आठ सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है, थोड़ी सी ये यहाँ पर चेंजिंग आती है, फिर वैसे ही बनता जाएगा। वही चार सिलाइयाँ फिर से बनाएंगे, फिर सेकंड कलर लगाएंगे, फिर से ऐसे ही स्टार्टिंग में तीन फंदे बुनेंगे, एक स्लिप करेंगे। तो इसी तरह से बना के इसको मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो इस डिजाइन को डाल के मैंने कंप्लीट कर लिया। तीन डिजाइन हमारे ये वाइट सेकंड कलर से डले हैं, एक दो और तीन, और दो हमारे बेस कलर से डले हैं।
अब देखिए जब ये हमारा तीसरा डिजाइन ये वाइट वाला कंप्लीट हो जाएगा तब हम इस वाइट धागे को काट देंगे। अब यहाँ से अब हम बनाएंगे इस बेस कलर से, बेस कलर से बुनेंगे। तो देखिए पूरी सिलाई को हम इस तरह से सीधा सीधा बना लेंगे, सभी फंदे इसी कलर से बुनेंगे इस तरह से, पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए रोंग साइड में। अब यहाँ से देखिए पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे, ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब यहाँ से भी पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए हम यहाँ पर आठ सिलाइयाँ बना लेंगे, ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। जैसे ये हमने यहाँ पे चार धारियाँ बनाई हुई हैं, इसी तरह से तीन धारियाँ, चौथी पर हम यहाँ पे फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो टोटल अब हम यहाँ पे छह सिलाइयाँ बनाएंगे। तो ये बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये छह सिलाइयों का मैंने बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस सातवीं सिलाई में फंदे बंद करेंगे। तो दो फंदे लेंगे ऐसे और दो का एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर इसको वापस इसी पे लेंगे और दो का एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और दो का एक फंदा बनाएंगे। जो दो का एक फंदा करेंगे इसको नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे। अगर टाइट करेंगे तो ऊपर से ये बहुत ही टाइट बन जाएगा और पहनने में प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इसको नॉर्मल हाथ रखते हुए इस तरह से सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर दीजिए, ऐसे इस तरह से। तो ये सभी फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं और इस धागे को अब थोड़ा सा लंबा काट के सुई में डाल के इस तरह से इसके अंदर से निकाल लेंगे और इसको टाइट करेंगे। अब इसकी देखिए बनके हमारी कंप्लीट हो गई है बुटीज। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। तो इसकी सिलाई हम ऐसे सीधी तरफ से ही करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, यहाँ से सुई डाल लेंगे इस तरह से, यहाँ पे एक नोट लगा के इसको पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पे नोट लगा के पक्का करेंगे। अब देखिए लाइन के अंदर लाइन मिलाएंगे, किस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। तो जो ये लाइन है यहाँ पे, इसके इस फंदे में से सुई को डाल लेंगे इस तरह से, फिर इस लाइन के इस फंदे में से डाल लेंगे, बहुत ही बारीक बारीक टांके लगाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि इसकी सिलाई कहाँ से की है। अब इस लाइन में से डाल लेंगे, अब इस लाइन में से डाल लेंगे, अब इस लाइन से डाल लेंगे, अब इसके अंदर डाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी इसकी सिलाई बन जाएगी, पता भी नहीं चलेगा इसकी सिलाई कैसे की है। ऐसे ही इसके डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाते हुए यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से बना के दिखा देती हूँ। यहाँ से सुई को डाल लेंगे, अब यहाँ से डाल लेंगे, अब यहाँ से डाल लेंगे, दोनों तरफ से बारीक बारीक टांके लगाते हुए बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। डिजाइन के अंदर डिजाइन को एडजस्ट करेंगे इस तरह से। अब यहां से डाल लेंगे,
ये डिजाइन के अंदर डिजाइन को एडजस्ट करते हुए इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ से डालेंगे। अब देखिए जो ये लाइनें हैं, लाइनों के अंदर लाइन को मिलाते जाएंगे इस तरह से। पहले इस लाइन में डालेंगे, फिर इसमें डालेंगे, फिर इस सेकंड लाइन में डालेंगे, फिर इस सेकंड में डालेंगे। इस तरह से लाइन के अंदर लाइन को मिलाते हुए यहाँ तक सिलाई करेंगे और यहाँ तक इसकी सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कंप्लीट करके इसकी फाइनल लुक कैसे बन के आएगी। तो देखिए बनने के बाद फाइनल लुक हमारी इस बेबी बूटीज की इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारी सी ये बेबी शूज कहिए, बेबी बूटीज कहिए, बेबी जुराब कहिए, हमारी बन के तैयार हो गई है। पूरा सेट कंप्लीट हो गया है। 5 पार्ट मैंने स्वेटर के बनाए हैं और 6ठा पार्ट मैंने बेबी पैंट का बनाया है। 7वां पार्ट मैंने इसके कैप का अपलोड किया हुआ है और 8वां पार्ट आज हमारा ये बेबी बूटीज का है। तो ये दोनों बूटीज हमारे बन के तैयार हैं, पूरा सेट कंप्लीट है। बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन हमारा बन के आया है और इसके अंदर हमारी टोटल 300 से 325 के बीच में ग्राम ऊन लगी है। 320 ग्राम ऊन हमारी इसके अंदर लगी है। बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन बना है, बनाना बहुत ही आसान है। इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप अपलोड किया हुआ है। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये बेबी सेट कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।